हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। जैसा कि रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी टू स्टेज के एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से एएलपी सीबीटी थ्री यानी साइको एग्ज़ाम्स के लिए जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाना है उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम केवल इन चार बोर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। आगे जो भी वीडियो होंगे उनमें और जो भी बोर्ड हैं उसके बारे में एनालिसिस करके आपको इस सीरीज़ में बताया जाएगा। यहाँ पर ये जो चार बोर्ड हैं, अजमेर, भोपाल, अलाहाबाद और तिरुवनंतपुरम, ये चारों बोर्ड सबसे डेंजरस जोन में आते हैं। यहाँ की कट ऑफ हाई रहने वाली है, इसका रीज़न भी आपको अभी आगे बताया जाएगा। तो इन बोर्ड का एनालिसिस देखते हैं और यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एएलपी सीवीटी थ्री यानी साइको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली लाइव 3:30 पर हमारे चैनल पर लाइव इसकी क्लासेस रहती है, जिसमें आप ज्वाइन करके अपने साइको एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जितने भी बैटरी टेस्ट हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है हमारे द्वारा और उनकी आसान मेथड को भी बताया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पर बना सकते हैं। कैसे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को साइको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सारी मेथड हम आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताते हैं। साइको एग्ज़ाम से संबंधित और भी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एक बार आप विजिट करके उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर बोर्ड है यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ रह सकती है वो है आरआरबी अजमेर। इसका क्या आधार है कि यहाँ पे हाई कट ऑफ रह सकती है वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। सीबीटी फर्स्ट एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ आई थी, पहले फर्स्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया था उसकी जो कट ऑफ थी, सबसे ज़्यादा इसी बोर्ड की कट ऑफ गई थी आरआरबी अजमेर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ भी लिखी हुई है, सीबीटी फर्स्ट एएलपी कट ऑफ। यहाँ पर दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। ये अनरिजर्व ओबीसी एससी और एसटी जो भी कम्युनिटी है, जो भी कैंडिडेट है इस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, तो उनकी कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है। अनरिजर्व के लिए जो जनरल कैंडिडेट थे उनके लिए 61 थी, ओबीसी के लिए 55 थी, एससी के लिए 49 थी और एसटी के लिए 45 थी। ये राउंड फिगर में आपको बता रहे हैं, बाकी पॉइंट में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैकेनिकल के लिए जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर अब इसका एनालिसिस करते हैं, इसकी वैकेंसी जो थी वो अगर हम सभी कैटेगरी में डिवाइड करके वैकेंसी को देखते हैं तो जनरल के लिए यहाँ पे 574, ओबीसी के लिए 289, एससी के लिए 164 और एसटी कैंडिडेट के लिए 83 वैकेंसी थी। अब अगर यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट को एएलपी के सीबीटी 3 यानी साइको एग्ज़ाम में जाना है, अगर इसका 8 गुना करते हैं तो जनरल कैंडिडेट जो जाएंगे वो 4592 और ओबीसी के 2312, एससी के 1336 और एसटी के 664 कैंडिडेट को जाना है। टोटल वैकेंसी अगर देखें सारी जितनी भी कैटेगरी हैं उनको ऐड करके तो टोटल वैकेंसी यहां पर 1110 हैं और इन टोटल वैकेंसी के जितने भी कैंडिडेट साइको में जाएंगे वो हैं 8880। अब इस आधार पर अगर हम बात करें तो एएलपी के सीबीटी 3 के लिए अजमेर जोन के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसका अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो पार्ट बी था, पार्ट बी में पहले जो कैंडिडेट पास नहीं हो रहे थे, क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तो उसकी जो संख्या थी वो लगभग 20-30% थी। लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन हुआ तो जो कैंडिडेट 1-2 नंबर से उस पार्ट बी में फेल हो रहे थे उसकी वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, वो भी कैंडिडेट अब पास हो गए हैं और वो भी आगे के स्टेज के लिए कट ऑफ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल 15-18% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्ट बी में फेल हैं, लेकिन पार्ट बी में उनके अच्छे खासे नंबर हैं। जैसे कि मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट देखा है, स्क्रीनशॉट देखा है कि पार्ट ए में उनके 60-65 मार्क्स भी हैं लेकिन पार्ट बी में वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। तो उन कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा, अगर कोई कैंडिडेट पार्ट बी में फेल होता है तो उसको हटा दिया जाएगा, फिर पार्ट ए के
जो मार्क्स हैं उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें सारे एनालाइज को करने के बाद, तो आरआरबी अजमेर बोर्ड के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो अनरिजर्व कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 60 से लेकर 63 के बीच हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस कैटेगरी के अंतर्गत जो 50 से 55 के बीच बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स हैं, लेकिन 60 से 63 के बीच देखोगे तो कम ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स हैं। तो अगर देखा जाए तो जो जनरल कैंडिडेट जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको CBT 3 यानी साइको में जो जाना है वो जाना है 4592 कैंडिडेट को। तो इतने कैंडिडेट तो ज़रूर होंगे जिनके 60 से लेकर 63 के मार्क्स हो रहे होंगे और वो 5000 के अंतर्गत आ जाएंगे, तो उनके लिए जनरल का जो कट ऑफ होगा वो 60 से 63 हो सकता है। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ जो एनालाइज़ किया गया है वो ही आपको बताया जा रहा है। मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपके मार्क्स 50 प्लस भी आ रहे हैं पार्ट ए में और पार्ट बी आप क्वालिफाई हो किसी भी बोर्ड से हो, तो आप ज़रूर CBT 3 साइको एग्ज़ाम्स की ज़रूर प्रिपरेशन करें। क्योंकि इतना बड़ा डेटा है, कोई इसको इतने बड़े डेटा को लेकर के एनालाइज़ नहीं कर सकता है, कुछ ही सैंपल रहते हैं 1000 2000, या बहुत से बहुत सैंपल की बात करें तो 15000 या 10000 सैंपल को भी आप वोटिंग करा के ले सकते हो। तो उसमें एनालाइज़ करने पर ही ये डेटा निकल के आ रहा है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि हो सकता है ये कट ऑफ हो, ये प्रेडिक्ट है कट ऑफ, लेकिन आप 50 से अगर प्लस में हैं मार्क्स में तो ज़रूर आप आगे के स्टेज की तैयारी करें। और OBC के लिए जो कट ऑफ हो सकता है वो 56 से लेके 59 तक हो सकता है। अजमेर बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, SC के लिए 45 से 50 और ST के लिए 37 से 42 के बीच हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो जिस बोर्ड को यहाँ पे रखा गया है वो है RRB भोपाल, जो कि सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर का ख़तरनाक बोर्ड है। यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी को अगर देखा जाए तो वो भी कम है। और ये भोपाल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे हर कैंडिडेट की दिलचस्पी रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये मध्य भारत में रहता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है कैंडिडेट का। और आप देखोगे तो CBT फर्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो थी, और जनरल कैंडिडेट के लिए अगर कट ऑफ थी तो वो 53.12 थी, और OBC के लिए 45.62 हो गई थी, SC के लिए 40.31 और ST के लिए 32.28 थी। वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ तो 557 वैकेंसी जनरल के लिए, OBC के लिए 295, SC के लिए 173 और ST के लिए 85 वैकेंसी। 8 गुना अगर आप करते हो इन वैकेंसी का तो जनरल कैंडिडेट जो जाएंगे साइको के लिए वो 4456, OBC के लिए 2360 और SC के लिए 1384 और ST के 680 कैंडिडेट साइको एग्ज़ाम्स के लिए जाने वाले हैं। टोटल वैकेंसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम अजमेर की तरह 1110 वैकेंसी हैं, जिसमें 8 गुना कैंडिडेट अगर जाते हैं तो वो हो जाता है 8880। यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो वो 55 से लेकर 58 जनरल कैंडिडेट के लिए हो सकता है, OBC के लिए 47 से 50, SC के लिए 42 से 45 और ST के लिए 34 से 36 हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो 15% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्ट बी में फेल हो रहे हैं, लेकिन पार्ट बी में उनके अच्छे खासे मार्क्स हैं। अगर पार्ट बी में वो फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो पार्ट ए के मार्क्स का वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट के भी मार्क्स 50 प्लस हैं जनरल के लिए तो वो CBT 3 की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है, कोई भी ये नहीं बता सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है और इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप इस पे बिल्कुल भी परेशान ना हो, 50 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो ज़रूर से आप तैयारी कर दें, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है जो साइको एग्ज़ाम होने वाला है। अगर तीसरे बोर्ड की बात करें तो वो है तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम जो बोर्ड है यहाँ पर जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम है, और मुझे लगता है शायद सबसे कम वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में ही है। अगर यहाँ पे CBT फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ पे अगर बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 55.24, OBC के लिए 47.48, SC के लिए 31.33 और ST के कैंडिडेट के लिए 25.02 यहाँ पे CBT फर्स्ट का कट ऑफ था। वैकेंसी यहाँ पे देखोगे आप तो कम्युनिटी वाइज वैकेंसी है वो जनरल की 81, OBC की 44, SC के लिए 25 और ST के लिए 12 वैकेंसीज हैं। 8 गुना आप करते हो तो ये आपको आंकड़ा दिख रहा होगा, 648 जो है जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 352, 200 SC कैंडिडेट के लिए और ST के लिए 96 यहाँ पर
8 गुना करके कैंडिडेट को जाना है साइको के लिए। टोटल वैकेंसी आप देखोगे तो 162 ही है और साइको के लिए जो स्टूडेंट यहाँ से जाने वाले हैं जो कैंडिडेट वो हैं 1296। अगर इस बोर्ड का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम है और बहुत कम स्टूडेंट को साइको में जाना है। अगर यहाँ पे इस बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से अगर 1000 स्टूडेंट के भी 60 प्लस मार्क्स हैं तो वो पीछे कर देंगे जो कम मार्क्स हैं जिन स्टूडेंट के। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखोगे तो जनरल के लिए 60 से 62 हो सकता है, ओबीसी के लिए 50 से 53, एससी के लिए 33 से 38 और एसटी के लिए 28 से 34 हो सकता है। अगर आप देखोगे तो अगर किसी भी कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड से है, तो वो साइको की तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दे, क्योंकि कुछ भी यहाँ कहना संभव नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है और अनुमान पर यहाँ पे बात की जा रही है। हो सकता है ये कट ऑफ हो जाए, लेकिन आप 50 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल भी आप गलती मत कीजिएगा, CVT 3 साइको एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर से स्टार्ट कर दीजिएगा। चौथे नंबर पर जो बोर्ड आता है वो है RRB इलाहाबाद। चौथे नंबर का ये बोर्ड है जहाँ पे वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा रही थी CVT फर्स्ट की, और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है वो ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ALP CVT फर्स्ट स्टेज का जो कट ऑफ था, वो वैकेंसी अगर बात करें तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। कट ऑफ अगर आप देखोगे तो जनरल के लिए 50.54, ओबीसी के लिए 41.60, एससी के लिए 36.98 और एसटी के लिए 27.03। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ALP में जो चॉइस है उनकी बात कर रहे हैं। मैकेनिकल की डिपार्टमेंट की बात करें तो वो 42.74, ओबीसी की 34.85 और एससी की 30.78 और एसटी की 25.02। वैकेंसी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टोटल दोनों डिपार्टमेंट की वैकेंसी मिलाकर के यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 2258, ओबीसी के लिए 1063, एससी के लिए 643 और एसटी के लिए 272 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। 8 गुना अगर आप करते हो तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो स्टूडेंट CVT 3 साइको के लिए जाने वाले हैं उनकी संख्या है 18064, ओबीसी कैंडिडेट जो जाएंगे साइको के लिए वो है 8504, एससी कैंडिडेट 5144 और एसटी कैंडिडेट 2174 कैंडिडेट जाने वाले हैं। टोटल सभी कम्युनिटी के कैंडिडेट अगर यहाँ पर टोटल वैकेंसी को जोड़ दें तो वो 4236 और टोटल जो स्टूडेंट साइको के लिए जाने वाले हैं वो है 33888। यहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा है और यहाँ पर आप जो साइको में एग्ज़ाम में कैंडिडेट जाने वाले हैं उनका नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है आप बाकी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, जैसे आप CVT 1 में देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे जो कट ऑफ था वो ज़्यादा था। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे CVT 3 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें तो वो अलाहाबाद बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जनरल में अगर आप हैं तो 54 से 58 रह सकता है, ओबीसी के लिए 45 से 48 रह सकता है, एससी कैंडिडेट के लिए 38 से 43 रह सकता है और एसटी कैंडिडेट के लिए ये 30 से 35 रह सकता है। तो ये थे 4 सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाले इन बोर्ड्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। आगे जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट जो भी बोर्ड होंगे उनको उसी सीरीज़ में लेकर के आपको बताने वाले हैं कि किस बोर्ड में किस तरीके से कट ऑफ रह सकता है। तो अगर आपको ये कट ऑफ ये एनालिसिस सही लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी समझ सकें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।